So today we have got अच्छा Mr. Abhishek, who is a co-founder and production head at myadvertencia.com. And आप पहले ये भी मुझे बता दीजिएगा, I think this advertencia is an African word, right? Yeah, yeah. Oh, I was searching through that. So this is advertisement only, right? Yeah. हमने ना अपने कंपनी का पहले नाम रखा था Make My Advertisement. जब हमने शुरू किया था फिर हम चेक करा तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था मेक माय एडवर्टाइजमेंट के नाम से. तो हमने लगभग 50 ऐसी कंपनीज की लिस्ट निकाले जो एड एजेंसीज और एड से सिमिलर मिलती जुलती हैं. एंड देन हमने कहा कि हमारी एड एजेंसी है तो कुछ ऐसा डिफरेंट नाम होना चाहिए जिसको जब लोग सुने ना कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्ड है तो उनके दिमाग में क्लिक करे कि एक एड एजेंसी है. तो हमें ये अफ्रीकन वर्ड मिला एडवर्टेंसी. एंड ये कहीं फिर लिस्टेड नहीं था फिर हमने माय एडवर्टेंसी नाम रख दिया. इट्स रियली कूल, मतलब अच्छा आइडिया है उसमें. तो प्लीज आप हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताइए कि मतलब एनिमेटर जो का करियर है, मतलब आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल भी बताइएगा. आई एम श्योर कि आपने स्टार्टिंग में आपने रेजिस्टेंस भी फेस की होगी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरीवन, देन पोस्ट दैट कैसे आपने इसमें करियर बनाया एंड हाउ स्टूडेंट कैन टेक दिस करियर. सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हेलो. और मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ. तो जिंदगी हम ना आज बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि अगर आप एनिमेशन के बारे में मेरे से कोई भी सवाल करोगे ना, गूगल पे मौजूद है सवाल के जवाब कि एनिमेशन क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं. प्रैक्टिकल चीजें जो है गूगल पे नहीं होती, लाइफ की एक्सपीरियंस या फिर आप कह सकते हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन तरीकों से आपको इंटर करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहां इंटर करने में प्रॉब्लम आती है लोगों को किसी भी करियर ऑप्शन में. तो एनिमेशन भी एक ऐसा इंडस्ट्री है, मतलब बेसिकली मैं गाँव से हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि एनिमेशन के बारे में कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था, समझा नहीं था. तो हमें लगा था कि एनिमेशन बहुत बड़ी चीज है एंड शायद बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद, बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद एनिमेशन सीख पाऊंगा या फिर एनिमेशन कर पाऊंगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. जहां चाह वहां रहा, ऐसे लोग जिंदगी में मिले जिसकी वजह से हम एनिमेशन इंडस्ट्री में बूम कर पाए. यूट्यूब पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग कर पाई एंड 40 लोगों के साथ आज हम एनिमेशन इंडस्ट्री में 2D एनिमेशन में मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं. कई दफा हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग भी करी है और अभी तक तो प्रयास है, शिखर पे पहुंचना बाकी है अभी. तो एनिमेशन बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा सा हम आप सब सुन रहे हैं हमें, आवाज आ रही है? गाइस यू कैन पुट इन योर कमेंट्स. यस यस इन चैट सेक्शन अगर यस यस. ओके तो एनिमेशन में ना हम पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे कि एनिमेशन क्या है और उसके बाद उनमें कई कई चीजें होती हैं, फिर करियर ऑप्शंस पे लास्ट में बात करेंगे. ठीक है. तो एनिमेशन में आपको याद है कि आप कभी रास्ते पर चल रहे हो और कई ऐसी चीज देख रहे हो जैसे व्हीकल चलते हुए, I think audio is frozen from yes I think there is some issue at Abhishek's end. Let's just wait for 2 minutes to connect him back. I think he got disconnected. Yeah. एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग जो भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप में, आज यहाँ 10th 12th के स्टूडेंट्स भी हैं. लास्ट टाइम वो लोग नहीं थे एक्चुअली. तो प्लीज लिसन केयरफुली जो भी यहाँ होगा और प्लीज के बाद आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा. विकास, यू कैन टेल अस अबाउट द कंपटीशन एज वेल. या आई थिंक वी कैन. So what we will do is ki we will ask Abhishek at the end ki ek topic de denge wo
एंड ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू उसके उनके आइडिया ले सकते हैं कि कैसे वो क्रिएटिव बनते हैं एंड हाउ दे सी थिंग्स फ्रॉम एनिमेटर पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी स्टूडेंट सारे सेशन देख रहे हैं, यू कैन मेक ए कार्टून, आप बना सकते हैं, यू कैन सबमिट दैट कार्टून टू अस एंड देन वी विल हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर एवरीवन. आई मीन फॉर दोस हु आर विनिंग. बट वी विल डू इज अभिषेक, आई थिंक ही हैज जॉइंड बैक. हाय अभिषेक. हाय सर, सॉरी थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है इधर. इशू नहीं है, अगर आपका इंटरनेट का इशू है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप वीडियो ऑफ करके भी ट्राई कर सकते हैं. ओके. मीनवाइल हम सब स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे कि हम इसके बाद एक कंपटीशन रखेंगे कि जैसे आप बताने वाला था मतलब ये बता रहा था कि आप जैसे ही आप चीजों को देखते हैं, पीपल विल अंडरस्टैंड एंड देन उसके हिसाब से कार्टून बनाएंगे एंड वो आपको सबमिट करेंगे, आप सिलेक्ट करना हु इज द विनर. वेरी गुड, बहुत सरप्राइज गिफ्ट टू देम. ओके, यू कैन कैरी ऑन अभिषेक. तो हम ना क्या करते हैं, अपने लाइफ में क्या होता है, हमारे लाइफ में जो भी कैरेक्टर है वो मोशन में होते हैं एंड जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक जगह एस्टेब्लिश रहते हैं और हम अपने आप को मोशन कर रहे होते हैं एंड हमारे सामने जो विजुअलाइजेशन होता है वो लगता है ऑब्जेक्ट हमारे सामने से गुजर रहा है. बट एनिमेशन इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ चीजें उल्टी होती हैं. यहाँ पर मोशन बैकग्राउंड करते हैं और कैरेक्टर एस्टेब्लिश होते हैं. ये आपको एक विजुअल में पता नहीं चलेगा, जब आप एनिमेशन करने लगोगे तब पता चलेगा. तो एनिमेशन के बारे में एक डेफिनेशन है कि एनिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिजाइन, ड्राइंग, लेआउट ये बनाने के बाद उन्हें फ्रेम वाइज सीक्वेंस में करने के बाद हम उसे मोशन देते हैं. वो मोशन कई टूल्स के थ्रू करते हैं. जब आप एनिमेशन पढ़ोगे तो उन टूल्स के बारे में आपको पता चलेगा. तो जो अलग अलग टूल्स होते हैं उसकी वजह से उनमें मोशन मिलता है. किसमें? कैरेक्टर में, बैकग्राउंड में. देन एक एनिमेशन कंप्लीट होता है, एक वीडियो कंप्लीट होता है. मान लीजिए कि हम अपने आप को उड़ते हुए तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एनिमेशन में ये पॉसिबल है कि हम अपने आप को उड़ते हुए प्रेजेंट कर पाए. तो एनिमेशन एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है और एनिमेशन में आपको जब करियर बनाना है तो आगे मैं 2-3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा. जो एनिमेशन जब होता है ना तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है. पहले प्रोसेस पे डिस्कशन कर लेते हैं. तो जो प्रोसेस होता है, पहले हम कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं या स्टोरी तैयार करते हैं, दिमाग में विजुअलाइजेशन करते हैं कि एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है और स्कूल से फिर घर आ रहा है, तो ऐसा हम सोचते हैं. तो जब घर आ जाता है तो फिर क्या करता है, वो खाना खा रहा है. 3-4 फ्रेम 5 फ्रेम के टॉपिक पे हम एक स्टोरी को तैयार कर लेते हैं. आपके सामने मैं स्टोरी तैयार कर रहा हूँ. फिर उस विजुअलाइजेशन को हम एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में देते हैं कि एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया तो एक अच्छी सी डिलीवरी भी तो होनी चाहिए. शब्दों का चयन, वाक्य अरेंज हो, ऐसा करके हम एक स्टोरी तैयार कर लेते हैं. स्टोरी तैयार करने के बाद अब एक राइटर अगर मैं हूँ, अगर कोई राइटर है तो उसने स्टोरी तैयार कर दी, लेकिन उसने तो राइटिंग फॉर्मेट में करी है. अब ये चीज सिनेमैटिक वे में कैसे दिखेगा, एक एनिमेशन में कैसे दिखेगा, ये दिखाने के लिए हम उसकी स्टोरी बोर्डिंग करते हैं. जितने भी सीन्स हैं उसकी स्टोरी बोर्डिंग एक ड्राइंग के थ्रू होती है. वो जो ड्राइंग है वो कौन करता है, एनिमेटर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक पेंटर है कह सकते हैं या फिर एक ड्राइंग आर्टिस्ट है एनिमेटर जो भी है, क्योंकि वो कैरेक्टर डिजाइन कर रहा है, बैकग्राउंड डिजाइन कर रहा है. तो पहले वो स्केचिंग करता है उन चीजों की आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग. अगर स्कूल अगर हमारे कंटेंट स्टोरी में डिमांड है तो स्कूल, कॉलेज, घर, बच्चा, घर पे खाना खा रहा है तो थाली, जो भी चीजें हैं उन चीजों की ड्राइंग कौन कर रहा है, उन चीजों की ड्राइंग कर रहा है एनिमेटर कर रहा है. एनिमेटर किसे कहते हैं, जो एनिमेशन करता है. तो अब कैरेक्टर जो स्टोरी में यूज होने वाले हैं, बैकग्राउंड किस तरह की चाहिए, वो हम चीजें डिजाइन करते हैं. डिजाइन करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि पहले हमें तो दिखाना पड़ेगा कि बच्चा है, उसे मुझे स्कूल भेजना है, तो रास्ते में कुछ शॉप्स मिल सकते हैं. अगर वो पैदल जा रहा है तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे दुकान मिलेंगे. सुबह का टाइम होता है स्कूल का, तो सुबह में कई लोग अखबार या फिर दूध की थैली लेते हुए वहां से गुजरेंगे. तो एक हम एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं उस बैकग्राउंड से, एंड वो बैकग्राउंड जो हम तैयार करेंगे उन बैकग्राउंड को फ्रेम वाइज फ्रेम रन करेंगे.
तो पहले बैकग्राउंड हमने तैयार किया, किन किन चीजों का, एक बच्चे का कैरेक्टर तैयार किया और उसमें कई बैकग्राउंड तैयार हुए, रास्ते का बैकग्राउंड, दूसरा बीच में कई शॉप्स मिलेंगे उसका बैकग्राउंड, इसके अलावा मान लो कोई लोग हैं वहां पे बातचीत कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, चाय पी रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है आप कितना अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। एंड फाइनली जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा स्कूल उनका, तो स्कूल का गेट एंड स्कूल कैसे बाहर से दिखेगा, इंटीरियर कैसा होगा, अंदर का स्कूल कैसे दिखेगा, ये बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं। एंड देन बैकग्राउंड जब तैयार हो जाता है तो कैरेक्टर जो हमारे पास लड़का है उसको हम फ्रेम वाइज एस्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए कैरेक्टर यहाँ एस्टेब्लिश हो गया एंड फिर हम एनिमेशन में क्या करते हैं, टूल्स की मदद से जो बैकग्राउंड हमने तैयार किया था इसके पीछे रन करते हैं। अब आपको लगता है कि वो लड़का रन हो रहा है लेकिन नहीं, बैकग्राउंड रन हो रहा होता है। तो ऐसे ये एनिमेशन का प्रोसेस है। तो अब थोड़ा सा फॉर्मल वे में जो भी आपको चीजें यू गूगल वगैरह पे मिल जाएंगी उस वे में बताएं, तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्टिंग करनी होती है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग पे अगर आपने म्यूजिक नहीं डाला तो वॉइस ओवर अगर की डिमांड है तो वॉइस ओवर करना पड़ता है, मतलब आवाज देनी पड़ती है। और संयोग से मेरे पास भी 4-5 कार्टून वॉइसेस हैं, मैंने कई स्टोरीज में यूज भी किया है। इसके अलावा आपको स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ेगी। स्टोरी बोर्डिंग करने के बाद कैरेक्टर और बैकग्राउंड स्टोरी बोर्डिंग के टाइम ही तैयार हो जाते हैं, एटलीस्ट अगर स्क्रिप्ट आपकी फाइनल है तो। अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं स्टोरी बोर्डिंग के एंड कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड के। एंड वो तैयार होने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है एनिमेशन का। एनिमेशन होने के बाद साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका एनिमेशन तैयार हो जाता है। अब आपको मैंने इतनी जो स्टेज बताए ना, 4-5 स्टेज बताए, अब आप अपने आप को कहाँ एनिमेशन में फिट करना चाहोगे ये आपका करियर ऑप्शन है। क्योंकि एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति अगर सारा काम करेगा तो वो 5-6 दिन में एक वीडियो बना पाएगा, तो एक टीम वर्क की जरूरत होती है। और हमारे पास 40 लोगों की टीम है तब संभव हो पाता है कि हम पर मंथ 200 वीडियो निकाल पाते हैं। तो अब इस प्रोसेस में अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरह से हमने एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो अभिषेक, जैसे आपने जितने सारे स्टेप्स बताए, मतलब बेसिकली आप हर स्टेप पे अलग ही एक्सपर्ट होता है आपके पास, इट इज नॉट लाइक कि एक ही बंदा पूरा कर सकता है, इट इज मतलब एवरी स्टेप पे वी हैव सम एक्सपर्ट्स। एंड शुरू में जब हमने कंपनी शुरू की थी तो कुछ ऐसे ऑलराउंडर हमारे पास एनिमेटर्स थे जो ये काम करते थे, लेकिन फिर वो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता था, लेट लतीफ वाली चीजें हो जाती थी। एंड देन करते सब काम है, जैसे एक मतलब अगर मान लीजिए मैं बाइक चलाने में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कार भी थोड़ी बहुत आती है, साइकिल भी चलाना आता है और ट्रक वर्क भी ड्राइव कर लूंगा अगर मतलब थोड़ा बहुत मौका मिले तो। लेकिन बाइक में एक्सपर्ट हूँ तो एनिमेटर्स के साथ भी ऐसा होता है, कोई कैरेक्टर बनाने में एक्सपर्ट है लेकिन अगर इमरजेंसी पड़े तो वो बैकग्राउंड भी बना लेगा, या फिर एक ही एनिमेटर होता है जो सिर्फ कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड ही बनाता है। तो अपने आप को आप कहाँ फिट करते हो, आप किन चीजों में अपने आप को स्किल्ड करते हो, ये महत्वपूर्ण है। मतलब वो कुमार विश्वास का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि इट्स बेटर टू बी अ गुड डॉक्टर देन अ बैड इंजीनियर। तो मेरे लाइफ का भी यही रूल था शायद तो एक मतलब बहुत सारी चीजें करने से अच्छा है, या फिर एक बुरी कोई एक मान लीजिए एनिमेशन में ही प्रयोग करते हैं कि एक बुरा स्टोरी बोर्ड एनिमेटर बनने से अच्छा है कि एक अच्छा कैरेक्टर डिजाइनर बन जाओ। तो ये हमने अपनी कंपनी में भी अप्लाई किया है, तो हर मंथ की वो रैंकिंग होती है कि कौन एनिमेटर कितना अच्छा कर रहा है। okay. तो उसकी ग्रेडिंग भी होती है, तो बोनस भी हम देते हैं, इससे मोटिवेशन भी बना रहता है। Correct. और एनिमेशन में क्या है, एनिमेशन तो दो वर्ड से मिलके बना, वो एनिम एंड मोशन। तो एनिम का मतलब ही होता है जीवन, तो जीवन में आपने मोशन डाल दिया है, आपने वो भगवान जो हमारे साथ कर रहा है कि एक मिट्टी का पुतला बना रहा है एंड उसमें जान डाल के और उसको एक लाइफ साइकिल में ऐसे घुमाता है अपने अनुसार, बोलते हैं ना ऊपर वाले ने लिखा है। तो हम भी एनिमेशन में वही करते हैं, हम भी एक स्टोरी तैयार करते हैं एंड अपने अनुसार घुमाते हैं, 10 मिनट में स्टोरी खत्म कर देते हैं। तो तो यही प्रोसेस है, बस विजुअलाइजेशन है इसमें। इसमें मतलब अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जान डालने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। एंड मैं थैंक यू तो उन्हें बोलना चाहिए, वो
सबसे पहले एनिमेशन जिन्होंने तैयार किया एमिल कोल क्योंकि क्या थॉट था, मतलब आप सोचो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन करूँ, तो एक थॉट सपने में चीजें चलती हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है बट एनिमेशन में वो पॉसिबल है. Yes, you can create that. तो प्रोसेस में किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, अगर मैंने जो चीज समझाई अगर वो समझ में ना आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, वी कैन गो अहेड एंड साइड बाय साइड अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो इधर आप डिफरेंस. सो वी हैव गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर राकेश प्रसाद, ही सेइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड कार्टून. एनिमेशन, बिल्कुल. तो देखिए कार्टून जो वीडियो है ना, लाइक एनिमेशन क्या है, एनिमेशन कार्टून वीडियोस को, कार्टून सबसे पहले एक विजुअलाइजेशन है कि हमने कार्टून बनाया. कार्टून का मतलब ये होता है कि हमने एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर बना दिया, जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं है लेकिन कॉमिकल है. कॉमिकल कैरेक्टर का एनिमेशन ही कार्टून कहलाता है. आप ये मान के चलो आप टॉम एंड जेरी देखते हो, ये हम बोल देते ना कि हमने आज कार्टून देखा. आपने कार्टून नहीं देखा, आपने एनिमेशन देखा. जैसे हर नूडल्स को मैगी बोल देते हैं ना, तो वैसा ही हो गया, हर एनिमेशन को हम कार्टून बोल देते हैं कि आज कार्टून देखा. तो हमें जो टीवी में चीजें दिखाई गई हैं, सबसे पहले वो दिमाग में, दिल में बैठ जाता है कि इन चीजों के प्रति परसेप्शन ऐसा ही होगा, क्योंकि शुरू में हमें सबसे पहले रूबरू होने का मौका टीवी से ही मिला. एंड कार्टून वीडियोस हमारे पिताजी के जमाने से और 90s के बाद इधर हम लोगों के जमाने से हम बहुत देखते हैं टीवी पे. लेकिन आज जो सोशल मीडिया एंड एप्लीकेशन, जितने भी वेब पोर्टल्स या फिर कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहां पे हमें कार्टून्स और भी देखने को मिल रहे हैं. आजकल एड में यूज हो रहे हैं कार्टून. तो हमारा परसेप्शन यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज होता है कि भाई एनिमेशन और कार्टून क्या है. एनिमेशन कार्टून में कोई अंतर नहीं. So Ashish is asking different types of animations. Okay, मैं अब इस टॉपिक पे आना चाह रहा था, अगला मेरा टॉपिक यही था. सबसे पहले तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने जो बताया एनिमेशन के बारे में. हाँ जी, that is fine. क्या है ये, अच्छे से समझ में आ गया. Okay, तो एनिमेशन के कितने टाइप होते हैं? देखिए अगर एनिमेशन को तोड़ेंगे तो 4-5 टाइप निकलेंगे, लेकिन मतलब मोस्टली मुख्यतः जो है चार प्रकार होते हैं एनिमेशन के, चार टाइप होते हैं. एक तो हम ट्रेडिशनल एनिमेशन, एक एक के बारे में मैं बात करूंगा, पहले चारों टाइप बताता हूँ. एक होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन, दूसरा होता है 2D एनिमेशन. 2D मतलब डी मतलब डायमेंशन, है ना. तो 2D एनिमेशन. एक होता है 3D एनिमेशन, और जो अगला होता है मोशन ग्राफिक. आप आजकल YouTube में बीच बीच में बहुत सारे एड देख रहे होंगे, अधिकतर एड मोशन ग्राफिक के एड होते हैं क्योंकि वो सबसे कम कॉस्टली पड़ते हैं वो किसी क्लाइंट को. इसलिए एड में सबसे अधिक जो क्लाइंट प्रीफर करते हैं वो मोशन ग्राफिक के एड ही प्रीफर करते हैं, जो 30 सेकंड 10 सेकंड का एड होता है, और देखने में भी वो बहुत कैची होता है मोशन ग्राफिक. एंड आगे बात करें तो स्टॉप मोशन एनिमेशन भी होते हैं. तो हम जो बेसिकली बात करेंगे वो 2D एंड 3D एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, मोशन ग्राफिक एनिमेशन के बारे में बात करेंगे. ट्रेडिशनल एनिमेशन के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको दो चीज बताऊंगा. करियर ऑप्शन थोड़ा कम है ट्रेडिशनल एनिमेशन में, क्योंकि करियर ऑप्शन कम इसलिए है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है ट्रेडिशनल एनिमेशन की. जब एनिमेशन की शुरुआत हुई थी तो जब कोई कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा था, 1909 या 7 ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे. तो उस समय जब कैरेक्टर की मूवमेंट थी ना, तो आप देख रहे होंगे जब कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो एक पीछे से उसका प्रतिबिंब भी बनता है, एक कह सकते हैं उसका एक शेडो भी बनता है. तो ये एनिमेशन में खामी थी, ट्रेडिशनल एनिमेशन की शुरुआत वहां से हुई. फिर अपने क्रिएटिविटी के अनुसार उस चीज को कम करते किया गया, बहुत कम किया गया. तब आज कैरेक्टर्स की मूवमेंट में वो जो मैं बता रहा हूँ, जो ब्लर सा दिखता था, परछाई जो दिखती थी, है ना, शेडो जो दिखता था वो नहीं दिखता. ट्रेडिशनल एनिमेशन की शुरुआत उस समय हुई थी.
एंड उसके बाद कुछ ऐसी जो कलाकृतियां हैं जिसको आर्ट वर्क में उतारा गया, डिजाइन्स जो उतारे गए उसमें मोशन, उसमें टूल्स की मदद से मोशन दी गई, तो वो जो मोशन है वो ट्रेडिशनल मोशन का पार्ट है। तो आजकल मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए उस पर मतलब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। सबसे अधिक डिमांड 2D एंड 3D एनिमेशन की है, मोशन ग्राफिक की है, स्टॉप मोशन की भी है, आगे तो मोशन की और एनिमेशन की और भी बात है। तो 2D 3D में मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि सबसे अधिक इस समय मार्केट में जो क्लाइंट्स हैं वो 2D एंड 3D के हैं। तो अब आप कहेंगे कि 2D और 3D एनिमेशन में हम किस तरह फर्क पता करें। सबसे पहले तो जो 2D एनिमेशन है, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, आप सबने देखा है, उम्मीद है सबने देखा होगा। तो वो जो एनिमेशन है वो 2D एनिमेशन है, एंड 2D एनिमेशन में वो हाई क्वालिटी एनिमेशन है। इंडिया में वो एनिमेशन नहीं होता, अगर इंडिया में होने लगे वो एनिमेशन तो उतने स्किल्ड एनिमेटर्स नहीं है, बहुत कम एनिमेटर्स हैं स्किल्ड, तो उनको एक एपिसोड बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे। तो टॉम एंड जेरी का जो कार्टून है वो 2D एनिमेशन है। 2D एनिमेशन में जो पार्ट होता है, हमने पिछली बार जो एनिमेशन का प्रोसेस बताया सेम वही पार्ट होता है। सबसे पहले स्टोरी के बाद हम स्टोरी बोर्ड, उसके बाद कैरेक्टर डिजाइनिंग, बैकग्राउंड डिजाइनिंग, उसके बाद एनिमेशन करेंगे टूल्स से, कई सॉफ्टवेयर हैं उनसे हम एनिमेशन करेंगे, जैसे एनिमेट सीसी या फिर कह सकते हैं कि वियोंड या फिर ब्लेंडर, ये सब सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ जो एनिमेशन में यूज होते हैं। तो प्रोसेस वही है। अब 2D एनिमेशन में कॉस्ट कटिंग की वजह से यहाँ आप स्टोरी बोर्डिंग का वर्क रोक सकते हैं। अगर आपका एनिमेटर इतना स्किल्ड है कि स्टोरी पढ़ के उसने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि हमें कैसे विजुअलाइजेशन करना है। मोस्टली यूट्यूब में आप जो मोरल स्टोरीज देख रहे हैं वो सारी मोरल स्टोरीज इस समय बिना स्टोरीज स्टोरी बोर्डिंग के वो तैयार हो रही है। उसके पीछे का कारण यही है कि एनिमेटर्स उतने अच्छे हैं, उनकी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, इतनी स्किल्ड है कि स्टोरी राइटिंग पे ही उनको क्या किन चीजों को प्रेजेंट करना है ये उन्हें पता है, एंड देन वो एनिमेशन तैयार होकर क्लाइंट के पास जाता है तो उन्हें भी वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ स्टोरी बोर्डिंग की कॉस्ट कटिंग हो जाती है। स्टोरी बोर्डिंग थोड़ा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि हर एक फ्रेम को डिजाइन करना पड़ता है, कैरेक्टर बैकग्राउंड के साथ कैसे मैच कराना है या फिर कह सकते हैं कि वो मोशन कैसे करेगा, ये आपको एनिमेशन बनाने से पहले आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा क्लाइंट के सामने। तो ये प्रोसेस है 2D का। 2D के बाद 3D की बात करते हैं। तो 2D आप एनिमेशन आपको समझ में आया, मैंने टॉम एंड जेरी का जिक्र किया एंड उसमें क्या प्रोसेस है उसका जिक्र किया, आप सभी को समझ में आया, एक बार आप हैंड राइज कर दीजिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो चीजें आपको इंडस्ट्री में अप्लाई होती हैं और हो रही हैं। करेक्ट। इसमें भी लगभग हैंड राइज कर दिया सभी ने शायद। नहीं, इसमें क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एनिमेशन and which is the most prominent language which is used in animation, if you want to take questions abhi ya last mein jaise aapko comfortable lage। Haan, topic ko pura karne ke baad hum ek ek question le lenge 2D 3D and motion graphic pe। Okay, ab aage baat karte hain। 2D clear hai na। Okay, and 3D pe baat karte hain। 3D animation mein aapne aajkal dekha hoga ki ek bahut achhi film aayi thi jiska naam hai हनुमान की फिल्म आई थी, वो उसको तैयार करने में बहुत टाइम लग गया था, लगभग 10 साल लग गए थे। एंड चलिए वो तो सबको याद नहीं होगा बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोटू पतलू आपने देखा है, मोटू पतलू 2D कम 3D एनिमेशन है। अब 3D एनिमेशन को शॉर्ट करके बताते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन है क्योंकि आप तो नए हो। जिन कैरेक्टर में आपको उनका एनवायरमेंट 360 डिग्री दिखे या फिर कम से कम 280 डिग्री दिखे, मतलब कैरेक्टर में आपको मूवमेंट ऐसे स्मूथली मूवमेंट करते हुए बैक दिख जाए, या फिर आपको कैरेक्टर में जो मूवमेंट है हैंड का या फिर लेग का मूवमेंट, माउथ का मूवमेंट है वो स्मूथली आपको दिखे करते हुए,
और थ्री डायमेंशन से कम दिखे। मान लो आप 2D में वन डायमेंशन देखते हो एंड एक दूसरा डायमेंशन देखते हो इस साइड से, 3D में आपको वो थ्री डायमेंशनल मिलेंगी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का मूवमेंट होगा, कैरेक्टर अगर ऐसे मूव करता है घूमता है तो आपको उसका बैक भी दिखेगा, आपको उसका शोल्डर भी दिखेगा। ये हो जाता है 3D एनिमेशन का पार्ट। 2D एंड 3D में बस इतना का ही फर्क है, बाकी सारे प्रोसेस वही है। लेकिन हाँ, 2D 3D से मतलब 3D 2D से कॉस्टली इसलिए है क्योंकि वो जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट करने में हालत खराब हो जाती है हमारी। क्योंकि इतना इतना बार मुझे मतलब मुझे क्या, जितने एनिमेटर्स हैं इतनी बार मोमेंट में स्मूथनेस लाना पड़ता है ना इतनी बार, कि आपका परफेक्शन आपकी स्मूथनेस और डिटेलिंग पे डिपेंड करता है। आप परफेक्ट एनिमेटर हो, ये इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप कैरेक्टर को कितना स्मूथली रन करा पा रहे हो या एक्टिविटी उससे करवा पा रहे हो, मोशन कितना स्मूथनेस के साथ डाल पा रहे हो, दे पा रहे हो, एंड दूसरा कि आपने कैरेक्टर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, डिटेलिंग करी है। ऐसा नहीं कि आप मोशन करा रहे हो तो बैकग्राउंड में पीछे से कुछ ऐसा ब्लर टाइप का पार्ट आ गया या फिर कुछ ऐसी चीजें आ गई जिस वजह से, मतलब अनावश्यक एलिमेंट आ गए जिस वजह से आपका कैरेक्टर और बैकग्राउंड का मैच नहीं हो पा रहा है, या आप कोई भी पिक्चर देख रहे हो, पिक्चराइजेशन कर रहे हो, तो बीच में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका ध्यान किसी ऐसे बेकार के एलिमेंट पे चला गया कैरेक्टर और बैकग्राउंड से हटके। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 3D में आपको एक्सपर्ट होता है एंड उस तरह की वीडियोस को प्रेजेंट करता है, उतने स्किल के साथ स्मूथनेस एंड डिटेलिंग का वर्क करता है, तो 3D इसलिए कॉस्टली पड़ता है। एंड आगे बात करते हैं मोशन ग्राफिक। तो आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर दीजिए, मोशन ग्राफिक के बात करने के बाद हम आपसे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। मोशन ग्राफिक की बात करते हैं, तो मोशन ग्राफिक ऐसा पार्ट है जिसमें जो कैरेक्टर है ना वो एस्टैब्लिश है, वो रन वगैरह नहीं करते, वो स्लाइड करते हैं, उनमें मोशन हम स्लाइडिंग के थ्रू पुट करते हैं। तो जो एड आप देखते हैं, मान लो कि आपने अभी देखा होगा जोमेटो का कोई एड देखा होगा, लास्ट में जोमेटो का एक रेड कलर का वो आता है एंड जोमेटो साइड से आता है यूं ऐसे करके, वो मोशन ग्राफिक का वर्क है। जोमेटो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो साइड से आता है, कहीं ऊपर से आ गया, ये मोशन ग्राफिक का वर्क है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर और बैकग्राउंड के साथ मोशन करना तो है, लेकिन वो डायमेंशनल नहीं होता, 2D या फिर किसी डायमेंशन में नहीं होता, वो एक फ्लैट होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये मान लो ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये कैरेक्टर है वन, तो ये जो वन कैरेक्टर है ये ना ऐसे मूवमेंट करेगा ना ऐसे मूवमेंट करेगा, सिर्फ स्लाइड करेगा। हम बैकग्राउंड का फ्रेम बदल सकते हैं, हम कैरेक्टर की पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में बदलेंगे उस पोजीशन में मुझे स्लाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है मोशन ग्राफिक का वर्क होता है। अब विस्तार में जब आप एनिमेशन करेंगे, एनिमेशन सीखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि एक एक टूल्स कैसे काम करता है, एक एक टूल्स का काम क्या है, 2D 3D एनिमेशन कैसे करते हैं, मोशन ग्राफिक वर्क या फिर बोल सकते हैं स्टॉप मोशन या फिर ट्रेडिशनल एनिमेशन कैसे करते हैं। अभी इंडिया में बहुत अच्छी चीज ये है कि आप अपने करियर में मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज के तौर पर आप एनिमेशन इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन कम है। और दूसरी चीज ये है कि अभी उस लेवल की स्किल्ड नहीं है इंडिया में, जो एनिमेटर्स हैं उस लेवल के स्किल्ड नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, एक हमारे पास भी एक बार टॉम एंड जेरी का वर्क आया था एंड हमें उसे करने में लग जाता लगभग 2 महीने, एक एपिसोड 10 मिनट का, मतलब सॉरी मैंने टॉम एंड जेरी का वर्क बोल दिया, टॉम एंड जेरी जैसा वर्क आया था, क्योंकि वो तो बहुत पहले वर्क हो चुका है। मतलब किसी क्लाइंट का कॉन्सेप्ट था कि टॉम एंड जेरी बंद इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे ब्रॉडकास्टिंग कमेटी को ये चीजें गई थी मैसेज कि ये जो दिखा रहा है इसमें वॉयलेंस है, बच्चे घर में इन चीजों को सीख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई बहन और दोस्तों के साथ कैसे लड़ाई पिट करें, तो टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब से YouTube आया तो बहुत सारी चीजें ओपन हो गया, आज OTT प्लेटफॉर्म आया तो जो सिनेमा पे सेंसर बोर्ड अपनी कट चला देता है वो OTT पे नहीं चला पाता, तो वो कार्टून के साथ भी ये चीजें हुई। तो हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि
यूट्यूब में वो अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि हमें ना टॉम एंड जेरी जैसा कार्टून चाहिए, आप बना पाओगे? तो हमने अपने टीम से डिस्कशन किया, तो हमने हमें लगा कि यार 2 से 3 महीने लग जाएंगे एक 10 मिनट के एपिसोड को करने में। फिर हमने मना कर दिया कि ये प्रोजेक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हमारी स्पेशलिटी है वो 2D एनिमेशन में, हाई क्वालिटी 2D एनिमेशन में हम काम करते हैं, एनिमेट CC पे वर्क करते हैं जो सॉफ्टवेयर है, ब्लेंड पे और वियॉन्ड पे, ब्लेंडर और वियॉन्ड, ये 2 और सॉफ्टवेयर हैं जिसपे हम वर्क करते हैं, मतलब हमारे एनिमेटर्स जो भी हैं वो वर्क करते हैं। तो आपको एनिमेशन सीखना है तो आपको इन्हीं सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन सीखना पड़ेगा। एंड मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि हम कोई कोर्स करके एनिमेशन सीख लेंगे, हम कहीं ऑनलाइन क्लास करके एनिमेशन सीख लेंगे, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है अगर आप ट्रेनिंग करके एनिमेशन सीखना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि मेरा मानना इसमें इसलिए ये है क्योंकि अपने लाइफ में किताबों को पढ़कर कभी साइकिल चलाना नहीं सीखा जा सकता, है ना। ऑनलाइन कोई बताए कि साइकिल कैसे चलाना है तो मैं अभी आपको बैठ के ऑनलाइन बता दूं, आप साइकिल चलाना नहीं सीख जाओगे। तो जब तक आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करोगे, एक दो बार गिरोगे नहीं, एनिमेशन करते करते गलतियां नहीं होंगी तो सुधारोगे कैसे, तो फिर सीखोगे कैसे? तो अगर आपका एनिमेशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं कुछ टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। आप, मुझे ही पता है कि बहुत सारी चीजें आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या ये टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैं एनिमेटर हूँ तो मैं आपको उतनी चीजें ही बता पा रहा हूँ, एनिमेशन टीम देखता हूँ, जितनी जरूरत है शुरुआत में जानना कि कितने टाइप के एनिमेशन होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ताकि आप कभी जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी के पास ट्रेनिंग करने तो आपको बेसिक चीजें तो पता होंगी, एटलीस्ट आप शून्य पे तो नहीं होंगे। तो उतनी चीजें मैंने आपको बता दी कि प्रोसेस क्या होता है। कोई पूछते हैं एनिमेशन सीखने आ रहे हो, प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आप इतना बताओगे तो खुश हो जाएगा, कम से कम एटलीस्ट प्रोसेस तो पता है इस बंदे को, यानी कि इंटरेस्ट है, ये तो पता है कि कितने प्रकार के एनिमेशन होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर पे काम आपको नहीं पता तो कैसे पता होगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। फिर कोई पूछे तो बताना, सीखने ही तो आए हैं। तो कई इंस्टीट्यूट कराते हैं डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज भी कराते हैं, तो आप चाहो तो आप सर्च करना गूगल पे आपके लोकेलिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट है या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कराने वाले कौन से कॉलेज है, आप वहाँ एडमिशन लो, बढ़िया रहेगा। या फिर दिल्ली और चंडीगढ़ वगैरह में अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप सीख सकते हो। और कोई सवाल आप? हाँ सर, एक एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चलो। वैसे अच्छा, स्टार्ट भी उसमें करने से पहले भी, जैसे ये तो हमने सारी अभी रिगार्डिंग प्रोसेस बात की, अब इसमें सिर्फ ये पूछना चाहूंगा मैं, जैसे कि हाउ इट स्टार्टेड, कि मतलब आपको कैसे पता चला कि आपका एनिमेशन में इंटरेस्ट है? क्योंकि स्टूडेंट अभी उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे अभी दे आर इन स्कूल्स, तो वहाँ पे कैसे समवन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये शायद मैं करियर ऑप्शन में ले सकता हूँ एंड यहाँ मेरा इंटरेस्ट है? तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि हाउ एक डिफरेंट फील्ड आपने चूज किया एंड कैसे आपको पता चला कि हाँ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यू वांट टू गो फॉर एनिमेशन ओनली? देखो, मेरा मानना है ना, आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि एनिमेशन अच्छा है इसलिए आप एनिमेशन में मत जाना। आपके अंदर एनिमेशन के प्रति अगर जुनून है तो जाना, क्योंकि आप जिन चीज में बेस्ट होगे उससे आप अर्निंग कर पाओगे। जिन चीजों में बेस्ट नहीं होगे, आप लाख कोशिश कर लो, वो चीजें खैर कितनी भी बेस्ट हो, वहां फिर अर्निंग नहीं कर पाओगे, वहां आप शून्य पड़ जाओगे। तो मेरे पास बचपन में, मेरे पास 3-4 आवाजें थी कार्टून की, मैं निकालता था आवाजें, मैं कॉपी करता था, है ना। तो बच्चे के रोने की आवाज या फिर पानी के टपकने की आवाज, है ना। तो ये सब आवाजें निकालते निकालते मुझे लगा कि अगर मैं कार्टून इंडस्ट्री में किसी भी कैरेक्टर का वॉइस बन जाऊं तो थोड़ा नाम भी हो जाएगा, पैसे भी कमा लूं। इस थॉट से मैं मीडिया इंडस्ट्री में आया। एंड मैंने पहले तो बहुत जगह जॉब की, लाइक मीडिया हाउसेस में रिपोर्टिंग करी, एंड मैगजीन हाउसेस में कंटेंट राइटिंग करी, फिर वीडियो एडिटिंग करी, मतलब फिर मेरा एडमिशन, जब मैं मुंबई जाने वाला था अपने ग्रेजुएशन पूरा करके पटना से, तो फिर मैंने कई जगह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम भी दिया था, लाइक माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म एंड मास्कॉम की। तो मास्कॉम एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ब्रॉड है, वहाँ आपको मतलब हर चीजें, मीडिया के जितने भी सेक्टर हैं मास्कॉम में कवर होते हैं। तो मुझे वो कोर्स अच्छा लगा एंड मैंने अप्लाई कर दिया था। फिर इंटरव्यू वगैरह होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और माखनलाल की खासियत यह है कि
वहाँ हिंदी लोगों की अच्छी हो जाती है, तो मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा हूँ अपेक्षा इंग्लिश के, क्योंकि एक गांव में परिवेश माहौल होता है ना, शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ाई हुई तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। बट एडमिशन होने के बाद वहां से मैंने पीजी पूरा किया, और पीजी करते हुए मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा था, किसी के लिए कार्टून वीडियोस बना देना, या फिर किसी के लिए एड बना देना, किसी के लिए स्टोरी राइटिंग कर देना, या फिर किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख देना, वॉइस ओवर कर देना थोड़ा बहुत, एंड कार्टून में किसी को आवाज चाहिए तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से आवाज दे देना। तो ये काम करके मैं थोड़ा बहुत अर्न कर लेता था मंथ में इस कॉलेज टाइम के बाद। एंड देन लगा कि मेरे पास वर्क बढ़ रहा है, तो मैंने अपने कई दोस्तों को साथ में जोड़ा, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि मुझे कंपनी ओपन कर लेनी चाहिए, जरूरत है, क्योंकि मेरे पास इतना वर्क है। एंड फाइनली मैंने एस्टेब्लिश कर ली एड एजेंसी, क्योंकि एड एजेंसी में सारी चीजें कवर होती। मैं सिर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री को कवर कर रहा होता तो इंडिया में आपको ही मैंने बताया कि उतने स्किल्ड एनिमेटर नहीं है कि हम उतना हार्ड एंड फास्ट वर्क कर सके। तो हमारी जितनी एफिशिएंसी थी उसके अनुसार हमने टीम बैठाई एनिमेशन की, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं हम, शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, एंड मेरा पैशन जो है वो एक लिरिसिस्ट का भी है, तो मैं सॉन्ग्स भी लिखता हूँ। हालांकि अभी तक रिलीज हुए नहीं है, मुझे खुद ही फीचर होना है इसलिए मैंने रिलीज नहीं किया है अभी। तो ऐसा मेरा रहा पैशन, एंड मैंने एनिमेशन इंडस्ट्री में ऐसे एंटर किया। लाइक मेरे पास क्लाइंट ऐसा था कंसर्न कि मुझे एनिमेशन कराना है, वो हमसे पहले फैक्ट के वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के तो उन्होंने कहा आप एनिमेशन का वर्क करते हो, तो मेरी आदत है मैं किसी चीज को ना नहीं कहता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। फिर हमने अपने स्टेटस में पोस्ट किया कि कोई एनिमेटर है क्या, तो मुझे दो तीन लोग ऐसे मिल गए जो कि एनिमेशन करते थे, हाँ हाँ हाथ उठा दिया। मैंने कहा यार कर क्या रहे हो आजकल, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं फ्रीलांस वर्क कर रहा है। मैंने कहा आओ मेरे साथ, हाँ तो आओ। फिर हमने क्लाइंट से पूछा रिक्वायरमेंट क्या है, तो उनके मंथ के 20-30 वीडियो काम पर, तो उन 3 से 13 एंड फिर 30 और 40 तक का सफर पूरा हुआ, काम बढ़ते गए, एंड हम एनिमेशन इंडस्ट्री में भी अच्छा कर रहे हैं, साथ में कई इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। तो ये एनिमेशन का सफर था, एंड मेरा मानना है कि अगर आप जर्नी में हो तो जैसे आपको बोलते हैं ना, नदी में जैसे पानी अपनी जगह बना लेती है वैसे बहते चले जाओ, तो आपको भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो ना मत बोलो, क्योंकि मैं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में था ही नहीं ना, तो एनिमेशन मुझे पता ही नहीं था, तो स्कूल में तो डर लगता था। क्या कोई कुछ कह रहे हैं? हेलो या बबीता, यू वांट टू से समथिंग? आपका ठीक है, आई थिंक वो बाय मिस्टेक, तो वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस। तो बेसिक्स ऑफ एनिमेशन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, देन सचिन इज आस्किंग व्हिच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड इन एनिमेशन। इंडिया में तो हिंदी है। हां, इंडिया में तो आई गेस एंड हम मोस्टली इंडिया का वर्क लेते हैं, और चूंकि इंग्लिश वर्क हम लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो हमारे एनिमेटर्स हैं वो हिंदी भाषी ज्यादा हैं। तो हाँ, हम एड वेड तो इंग्लिश में बना लेते हैं, उसके लिए एक दो एनिमेटर्स हैं, बट अगर हम इंग्लिश के एनिमेशन करने लगे तो फिर मुझे लगता है कि अगर स्टोरीज वगैरह करने लगे तो हमारे हिंदी का पूरा प्रोडक्शन हिल जाएगा हम हिलना नहीं चाहते ना ठीक है। एंड उसमें देन उसके बाद देयर इज अ क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा था 3D एनिमेशन हनुमान वाली, तो देयर Someone has given answer, Legend of Hanuman. Maybe आप सीरीज कह रहे थे जिसमें बहुत टाइम लगा था, तो जो 3D एनिमेशन में यू आर सेइंग ना दैट दिस इज अ सीरीज ऑफ हनुमान जी व्हिच टुक लॉट ऑफ टाइम, 10 साल लग गए थे उसमें, मतलब समथिंग आपने बताया था उसमें। हाँ अच्छा, उसमें देन उसके बाद दे हैव रेज द क्वेश्चन कि हम ये कैसे एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली फ्रॉम फोन्स, बिकॉज इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि जो जो एनिमेशन के लिए टूल्स चाहिए होंगे वो काफी एक्सपेंसिव होंगे, या वो कंप्यूटर वगैरह वो नहीं खरीद पाए अगर, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक अगर किसी को फोन से स्टार्ट करना है तो? अभी देखिए सिंपल सा एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, है ना, मतलब सब शेयर नहीं करते, हमारे पास कम से कम 10 एनिमेटर ऐसे है ना जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया और अपनी जर्नी की शुरुआत जो है ना यूट्यूब पे देख के एनिमेशन सीखा है। यूट्यूब पे कई ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से देख के उन्होंने एनिमेशन सीखा है, और जब वो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया ना तब हमें कंसल्ट किया कि सर मुझे एनिमेशन आता है ऐसा करके, और फिर मैंने कहा कहाँ से सीखा, तो यूट्यूब से। बहुत ताजुब हुआ मुझे यूट्यूब पे ऐसे
तो देखिए दो चीजें हैं, आपको लगता है कि आप एनिमेशन इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए, और एनिमेशन इंडस्ट्री में आने के लिए ऐसा नहीं कि किसी कोर्स की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ने की जरूरत है, आपको स्किल डेवलप करना है। आप YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जो आपको एनिमेशन की बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए प्रिपेयर कर देंगे। हाँ, एडवांस के लिए आपको होना पड़ेगा, वो YouTube पे शायद ही कहीं मिल पाए, क्योंकि बेसिक से इंटरमीडिएट तक तो आप YouTube पे वीडियोस देख देख के आप सीख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको एनिमेशन की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे चीजें फास्टली बताने लगा ना, तो दो प्रॉब्लम होगी, एक तो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा, दूसरी चीज आपको लगेगा अरे वाह कितनी बड़ी चीज है, भारी शुरू में चीजें भारी लगने लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए मैं पहले जो सजेस्ट करूंगा, नो कॉस्ट पे आप यूट्यूब पे जाओ, डेटा तो खर्च कर सकते हो, वैसे भी अभी डेटा के साथ ही आप तो आए हो मेरे साथ लाइव, तो यूट्यूब पे जाओ, वहां शुरू करो और एनिमेशन के बेसिक पहले शुरू करो, उसके बाद उनके एक एक चैप्टर के लेसन को आप शुरू करो, आप देख लो कि मोस्ट वैल्यूएबल फीडबैक किसके कमेंट सेक्शन में है, या फिर आप देख लो वहाँ पे, बहुत सारे लोग वहाँ भी ये दावा करते हैं कि आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए ये सीखने के लिए, आप मूव हो जाओ किसी और यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ से कोर्सेज स्टार्ट करो, आपको कीवर्ड पता होगा आपने कोर्स कहाँ पे छोड़ दिया या फिर कहाँ से आपने देखना बंद कर दिया, वहाँ से फिर आप जाके कहीं और देखो यूट्यूब पे, यूट्यूब बेस्ट चीजें हैं। हाँ, फोन से मुश्किल है एनिमेशन करना, मैंने कभी फोन से नहीं किया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद सॉफ्टवेयर्स होते भी होंगे। हाँ, बट एक पीसी तो चाहिए होगा, एक पीसी या लैपटॉप तो चाहिए होगा, और सबसे बड़ा पार्ट है एनिमेशन का रेंडरिंग, मतलब मैंने तो आपको सारी चीजें बता दी उस समय की प्रोसेस क्या है, रेंडरिंग नहीं बताया था, रेंडरिंग इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी के लिए छोड़ा था मैंने। रेंडरिंग का मतलब होता है कि आपने खाना बना दिया, अब जो है खाने को प्रेजेंट करने से पहले आप क्या करोगे, अपने गैस पर से या फिर जहां खाना बन रहा है इंडक्शन पर से खाना को उतारोगे एंड उसे एक अच्छे या साफ सुथरे बर्तन में सजाओगे ताकि वो देखने लायक हो, खाने लायक। तो रेंडरिंग वही प्रोसेस है, एनिमेशन आपने तैयार कर दिया, सिर्फ आप ही देख पा रहे हो, आप किसी को दिखा नहीं पा रहे हो कहीं, तो क्या ही फायदा, आप उसको रेंडर करोगे, उसे उस सारे फ्रेम को, ये जो फ्रेम है यहां से यहां तक का फ्रेम है जो आपने तैयार किया सॉफ्टवेयर में, इसको मर्ज करोगे, ये रेंडरिंग का पार्ट है। रेंडरिंग मतलब आउटपुट निकालना, इनपुट आपके पास है, आपने आउटपुट देना है, तो आपको रेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, तो ये वो पार्ट होता है जहां आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर क्लाइंट्स बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप प्रोजेक्ट फाइल हमेशा सेव करके रखा करो, ताकि जहां पे आपने प्रोजेक्ट शुरू करा है वहां पे जो जिस पार्ट में चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं उस पार्ट को ही जाके आप ठीक करो। करेक्ट, तो ये हमेशा ध्यान। और कोई सवाल है आपको? देयर इज वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी एंड वो कैसे डिफरेंट है एनिमेशन से? आप शायद मेटा के बारे में सोच के आप कुछ कह रहे हैं, ये भी शायद इसी के लिए क्वेश्चन होगा। सचिन हैज आस्क्ड दैट फेसबुक का शेयर भी बहुत गिर गया है मेटा के चक्कर, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि लोगों को तो ये लग रहा है कि वर्चुअल रियलिटी में हम एक 3D ग्लासेस लगा लेंगे या 2D ग्लासेस लगा लेंगे एंड हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे लाइक जैसा हम सोच रहे हैं, विजुअलाइज करेंगे कार्टून फॉर्मेट में। लेकिन आप सोचो, इंडिया में तो ऑलरेडी 2D चीजें चल रही है ना, तो फेसबुक कुछ नया नहीं कर रहा है, मतलब मेटा कुछ नया नहीं कर रहा है, वो बस आपको जैसे आप हम और आप इंडिविजुअल जो है ना परफॉर्म करते थे, मान लो कोई गेमिंग देखना है, गेमिंग वीडियोस देखने हैं या कोई गेम देखना है तो इंडिविजुअली हम देखते थे, फेसबुक एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है 3D ग्लासेस की मदद से या 2D ग्लासेस की मदद से, मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है, बट वर्चुअल रियलिटी में यही होगा कि आप अपने आप को ऐसा फील कर पाओगे कि मेरे साथ चार लोग और जुड़े हैं, मुझे मीटिंग करनी है, तो अभी जैसे हम लोग 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग एक साथ मेटा पे आते हैं, तब जाके हम ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं और ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करते हैं। हमारा भी कार्टून होता, शायद आपने भी पोस्टर में कार्टून देखा है ऐसा, और सामने विकास सर बैठे हैं उनका भी कार्टून होता, आशीष सर बैठे हैं उनका भी कार्टून होता, तो सब सारे लोगों का एक अवतार जैसा कार्टून बन रहा होता एंड वहां पे हम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते, तो मतलब इसमें कुछ नया शायद लोगों को लग नहीं रहा, इसलिए फेसबुक के शेयर्स इसलिए डाउन हुए, क्योंकि 2D एनिमेशंस तो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, और अगर कैरेक्टर में कितना भी रिफाइन
हूबहू कैरेक्टर्स आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. एंड 2D में आपने देखा होगा अभी मार्क जुकरबर्ग ने एक वीडियो पोस्ट किया कि मेटा कैसा होगा, उसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया है. बहुत हल्का कैरेक्टर है मेरे ख्याल से. तो अगर उन कैरेक्टर्स एंड उन बैकग्राउंड के साथ अगर हम मीटिंग करने वाले हैं तो उससे अच्छा है कि हम ऐसे ही मीटिंग कर लें, वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा हमारे ख्याल से. तो बस यही फर्क है एनिमेशन एंड वर्चुअल में. मतलब फर्क क्या है, फर्क तो कुछ नहीं है. उन्होंने विजुअलाइजेशन ऐसा किया कि हम एक दूसरे को एक यूनिवर्स में कनेक्ट कर देंगे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर लेने से. मतलब वही चीज है, आप ऑलरेडी आप एक यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे हो एनिमेशन में. आप देख रहे हो आपने बहुत सारे ऐसी क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन वाली मूवी देखी होगी जहां आप एक दूसरे ग्रह की हॉलीवुड्स वाली मूवी आप देख लो. तो अगर वो कार्टून फॉर्मेट में चीजें आ रही हैं तो यार मुझे लगता है मूवी तक ही सही है. अगर खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे तो इतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं होगा. हम और आप जितना अच्छे जितने अच्छे से भी बात कर पा रहे हैं उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे खुल के. और जब आपके एक्सप्रेशन हमारे एक्सप्रेशन एक दूसरे के सामने दिखेंगे नहीं तो फिर हम फील नहीं कर पाएंगे. हम बोलेंगे राम आम खा रहा है तो मैंने किस वे में बोला आपको नहीं पता है ना. तो वो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है कि आपसे मिलके व्यक्ति खुश भी है कि नहीं है. तो वो चीजें वहां नहीं मिलेंगी शायद. हाँ हो सकता है मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इन कमियों को आगे जाके मेटा ठीक कर ले और उस तरह के एक्सप्रेशंस बैकग्राउंड और कैरेक्टर के साथ मेटा प्लेटफॉर्म तैयार करे और फिर जो ग्लासेस तैयार करे वो ज्यादा हैवी ना हो. क्योंकि आप तो दिन भर ग्लासेस लगा नहीं पाओगे, आप 2-3 घंटे लगा पाओगे. तो अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबल है कि मेटा के शेयर्स भी उठ जाए और मेटा भी आगे चला जाए. अभी बहुत एडवांस स्टेज पे है, अभी तो बहुत डेवलपमेंट होने की चांसेस है वहां पे भी. हां बहुत टाइम है अभी तो. ठीक है, और कोई क्वेश्चन देगी? सो व्हाट वी विल डू इज कि जैसे अभी थोड़ा टाइम का लिमिटेशन भी है तो वी कैन जस्ट मतलब टेक इट फॉरवर्ड विद, मतलब आप डिफरेंट रोल्स एक्सप्लेन कर दीजिए उसके अंदर की कंटेंट राइटिंग डिजाइनिंग एनिमेटर क्या होता है. तो एग्जैक्टली वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा थोड़ा. एंड देन पोस्ट दैट अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो व्हाट वी विल डू इज कि हम वी कैन कंपाइल द क्वेश्चंस एंड देन After discuss करके we can send a reply to them. अगर इस क्वेश्चन उसके बाद आते हैं, but we will try to take all the questions side by side. तो अब आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है तो मैंने पहले भी बताया था जो प्रोसेस है. आप कंटेंट राइटिंग या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बनाओ, एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट. आप भी सोचो ना यार, एनिमेशन में आ रहे हो तो आप भी तो स्टोरी तैयार कर सकते हो. हाँ ये पता है आप रिप्रेजेंट डिलीवर नहीं कर पाओगे लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो तैयार होगा ना कि एक बच्चा एक कैरेक्टर है या फिर एक कार्टून कैरेक्टर है वो कैसे परफॉर्म करेगा या फिर कैसे दिखेगा. तो सोचो ना, सोच के राइटर को बताओ कि यार देखो मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, तुम लिख सकते हो ऐसा. देन अगर वो राइटिंग कर देता है उसके बाद अगर आपको स्केच या फिर अब स्केच से याद आया कि आपको सर ने बोला था कि कुछ टास्क हम देंगे तो सर आपने टास्क दे दिया है. नहीं टास्क तो आप देंगे, हमने सिर्फ उनको बताया है कि एक टास्क आप दे दीजिए ना. आपके लिए एक टास्क है, सर ने जो सरप्राइज गिफ्ट रखा है उसके लिए. जो टास्क ये है कि अभी तक आपने एनिमेशन में बहुत सारे कार्टून देखे होंगे ना, आपको एक स्केच तैयार करना है एकदम डिफरेंट कार्टून का. एंड सर तो सरप्राइज देंगे ही, अगर वो स्केच बहुत अच्छा दिखा मुझे, वो कैरेक्टर अगर बहुत अच्छा दिखा तो हम खुद उस कैरेक्टर को एनिमेशन फॉर्मेट में लेकर आएंगे एंड एक स्टोरी भी तैयार करेंगे उस कैरेक्टर के साथ. ठीक है, एंड टॉप 3 को हम गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट. टॉप 3 को सरप्राइज गिफ्ट देंगे. एंड लेकिन कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होना चाहिए, आपकी स्केचिंग उस कैरेक्टर की बहुत डिफरेंट होनी चाहिए. लाइक जैसे वो बूम कर जाए, देख के लगे कि यार इससे कुछ कहानियां बन सकती है. करेक्ट, ऐसी कैसे कैरेक्टर की मुझे तलाश भी है. तो आप कोशिश करना, आपके आपके दिमाग में क्रिएटिविटी कितनी हो रही है, चल रही है, आप कैरेक्टर बनाना. हाँ अब आते हैं कैरेक्टर वाले पार्ट पे जो कि कंप्लीट हो गया. एंड उसके बाद बैकग्राउंड जो डिजाइनिंग होती है आप देखते होंगे, जो टॉम एंड जेरी को ही ले लेते हैं सबसे अच्छा. टॉम एंड जेरी दोनों कैरेक्टर हैं, उसके पीछे आप उनके घर द्वार जो भी आप देख रहे हो, उनके हथौड़े हैमर या फिर जिससे वो मारपीट करते हैं, उन सब चीजों को आप मान लो ऑब्जेक्ट. उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में हम मोशन तैयार करते हैं, मतलब और टॉम एंड जेरी जो कैरेक्टर हैं उनके अंदर भी मोशंस हम टूल्स के थ्रू तैयार करते हैं. बैकग्राउंड्स जो हैं जो चूज करते हैं, मान लो घर है या फिर स्कूल है या फिर जेरी का घर है या फिर टॉम का घर है, तो उस तरह का एनवायरमेंट तैयार करते हैं. क्योंकि अगर उस तरह का एनवायरमेंट नहीं तैयार करेंगे तो आई कैच ही नहीं होगा ना, इसलिए वो तैयार करना पड़ता है. तो हम कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, हम दोनों को एक ऐसे फ्रेम में अरेंज करते हैं
कि वो फ्रेम बाय फ्रेम आपके आंखों से ऐसे गुजरे, कैरेक्टर एस्टेब्लिश है, बैकग्राउंड गुजरे, कैरेक्टर मूवमेंट कर सकता है, हाथ उठाएगा, पैर उठाएगा, पूंछ हिलाएगा, बट बैकग्राउंड जो है वो मोशन में होगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, तो आपको लगता है कि एनिमेशंस हो रहे हैं। एंड जब एक एपिसोड, एक कहानी तैयार हो जाए 10 मिनट की, 15 मिनट की, कितने भी मिनट की, आप 2 मिनट की भी बना सकते हो, 1 मिनट और 30 सेकंड की भी बना सकते हो, तैयार हो जाए, तो फिर आप आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है रेंडरिंग का। इसके बीच में कैरेक्टर बैकग्राउंड तैयार होते टाइम एक स्टोरी बोर्डिंग का भी वर्क होता है, तो वो डिपेंड करता है, एनिमेटर्स स्किल्ड हैं तो करो, नहीं है, क्लाइंट की डिमांड है तो भी करना पड़ता है, अगर नहीं है स्किल्ड तो कोई बात नहीं, आपको स्टोरी बोर्डिंग के लिए भी कई बंदे होते हैं। तो अपने आपको या तो स्टोरी बोर्डिंग से शुरुआत कीजिए, स्केचिंग से शुरुआत कीजिए, कैरेक्टर्स या बैकग्राउंड बनाने से शुरुआत कीजिए, या फिर आपको एनिमेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है बट एनिमेशन इंडस्ट्री वालों के साथ मिलकर काम करना है, तो आप साउंड इफेक्ट्स म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो साउंड इफेक्ट्स साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक में आप आ जाइए, एनिमेशन में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हर एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद बैकग्राउंड, और क्योंकि मैं अभी ऑफिस में होता तो मैं आपको दिखाता अभी कि हमारे ऑफिस में कैसे वर्क होता है, स्टूडियो है हमारा, मतलब प्रॉपर हमारे पास सेटअप है, कई लोग बैठ के एक साथ काम करते हैं, दिन में तो बहुत कम लोग काम करते हैं, नाइट शिफ्ट रहती है क्योंकि नाइट में सुकून बहुत ज्यादा रहता है आर्टिस्टों के लिए, तो वो मैं दिखा पाता, बट मैं तो अभी घर पे हूँ तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, बट हाँ मैं आशीष सर को अपने कंपनीज की फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा ताकि वो आपको शेयर कर पाए, एंड फिर कभी गूगल मीट भी कर लेंगे, मैं 10th ऑफ दिसंबर के बाद रहूंगा भोपाल में अपनी कंपनी पे, तो ठीक है, देन वी कैन डू ए फॉलो अप सेशन, जो क्वेश्चंस होंगे सो दैट पीपल कैन एक्सप्लोर, जो आपने ऑप्शंस बोली हैं YouTube पे चेक करके, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड आल्सो, बिल्कुल, और एनिमेशन की शुरुआत करके आप तो अपनी सैलरी की शुरुआत मतलब 20,000 से स्टार्ट तो कर ही सकते हो आराम से, एंड मुझे नहीं पता वो कहां तक चला, तो अपने मतलब ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज हैं कि क्या बताएं, 1-2 lakh भी आप ले सकते हैं मंथ के, राइट right, पहले इंटरेस्ट जागना देते हैं लोगों का, देन दे कैन थिंक अबाउट, बिकॉज़ आई नो कि जहां पे आपको एनिमेशन अच्छा है, एनिमेशन में फाइट कम है, इसलिए आप एनिमेटर मत बनना, आपके मन में अगर एनिमेशन के प्रति जुनून है तो आना, क्योंकि आप अगर छोटी चीजों में भी आप बड़े रहोगे तो हमेशा आपको अच्छी अर्निंग भी आएगी और आपका सम्मान भी होगा, करेक्ट, ठीक है अभिषेक, एंड आई थिंक वी हैव वन कंटेंट राइटर आल्सो विद अस, आशीष, यस, सो हेलो एवरीवन, वी आल्सो हैव कलश विद अस, सो कलश इज अ कंटेंट राइटर एंड शी इज फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, सो एंड शी इज डूइंग यू नो फ्रीलांसिंग वर्क, एंड अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि यू नो व्हाट इज फ्रीलांसिंग, सो कलश आप थोड़ा सा बताइए लोगों को फ्रीलांसिंग क्या होती है एंड प्लस हाउ यू चूज योर करियर एज अ कंटेंट राइटर. Yes, sure. So, hi everyone. I am Kalash Khurana and I'm from Uttarakhand only. So, hello. So, yeah, since you are all students, so I would like to start telling you about my journey, like how I got to know that I want to do content writing and how it all began. Okay, so I hope you all have heard of Navode. So, I am an alumni of Navode from Rudrapur. So after completing my 12th, so there was like everyone has this question, like where to go, what to do next. And considering all of this, like parents' expectations, society's expectation and everything. So you have, if you have science stream, so you have like 2 to 3 options, like you can go for engineering, you can go for, you know, medical and, you know, the parents' mentality. So going with the flow, I got enrolled into Pannagar University for BSc Honors Agriculture. And it was like a dream, you know, dream come true from my dad. So he was like, wow, this is a like great opportunity. But when I joined there, so when I completed like almost 3 months there, I felt like, oh, then a kick nahi mil rahi. So that kind of situation was happening with me because I was not like going into that course. So then I thought of exploring and I started writing poems and articles and everything from
like 9th standard only, and I got a really great response from my classmates, from my teachers. So deep inside, I knew that this is the thing that I want to do. Like, this is the thing that I love to do. So gradually, I started, you know, exploring the things, and I got to know ki nahin, I am not made for this. I'm not made for this course. I'm made for writing. So then I talked to my parents, and I was like, nahin, I don't want to do this. I am not interested in this engineering stuff and agriculture and everything. I am not into it. I want to do something into writing. So it was like a big risk for me, and thankfully my parents supported me. So I left Pannagar University, and I took a 6 months break. So after 12th, I had this 1 year. I wasted 1 year, but I won't say that I wasted it, but I explored my options because I knew ki mujhe writing mein interest hai. That I found, like, pehle se hi mujhe pata tha. But hota hai na ki aapko realization baad mein hota hai. So it was like that only for me also. So then I joined, I did journalism and mass communication from Delhi. I left government college for doing my journalism in private college. Then I scored good, and I got to know ki nahin, bahut saari opportunities and there are hell lot of many things that I can do. So then I thought of doing this. When I was doing this journalism thing, I got to know about news writing. Or फिर वही है कि अगर आप books में जो पढ़ रहे हो, you cannot implement everything into your life, because as sir also said कि आपको training चाहिए ही चाहिए. Bookish knowledge will not take you anywhere. तो सबसे पहले you have to find your calling. कि what do you want to do? Like, what do you love to do? Then after that you have to take that training. So I chose that course. I completed my course. So when I was in my third year, I got my first break, and that was for two magazines. One was art magazine and the other one was dog magazine. So they were like really eminent magazine of that time. That was Art Soul Life and Buddy Life magazine. So I started working with them. It was good. I was just a student. और होता है ना कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है बाहर, इतना ज्यादा सब कुछ है, और हम लोग क्या जरूरी नहीं कि हम लोग जहाँ जितनी लेवल हमारी है, everybody is on that level only. I worked with people who had 12 to 13 years of experience, and I was just a fresher. I felt so under confident. I was like, नहीं मेरे से नहीं होगा. I used to go there to the office, and I used to see, oh my god, look at those journalists. तो कितना आता है, एंड आई एम सिटिंग विद देम इन द मीटिंग. आई वाज लाइक, बात क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है इस मीटिंग में, व्हाट इज आर्ट, ये कौन कौन से मीडियम है क्या. आई न्यू नथिंग अबाउट आर्ट. बट यही है कि इफ यू हैव टू फाइंड अ जॉब, तो धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट कर दो, देन यू गेट टू नो कि नहीं मेरे बस का ये नहीं है. आई वॉन्ट टू डू दिस, दिस इज वॉट इंटरेस्ट मी. सो या दिस इज हाउ इट हैपेंड. एंड देन पैंडेमिक हैपेंड, सो आई लॉस्ट माई जॉब. दैट वॉज द लाइक द ग्रेट डाउनफॉल फॉर मी. And after that, I joined Indian Institute of Mass Communication, which is the best institute for journalism in, like, MassCom in India. So yeah, I got enrolled in that. And after that, I got my job, which I'm doing now as well. I am a senior entertainment writer with a news website. So I love my job. That's what I would like to say to you. So this was all about my journey, and apart from that, I am doing freelancing as well. So yes, as one of you asked, what is freelancing? See, freelancing is something that aapki koi permanent job nahi hai kisi company ke saath, but I'll tell you from my example. See, in simpler words, I am doing a full-time job with Bollywood Shadis, which is my company with which I am associated with. Plus, I am doing freelancing with other companies as well. Freelancing is something कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, वो मुझे एक टारगेट देते हैं कि आपको इतने आर्टिकल्स, लाइक आई एम डूइंग कॉन्टेंट राइटिंग. सो अगर आप किसी और फील्ड में भी हो, तो आपको आपका टारगेट दे दिया जाएगा कि दिस इज वॉट यू हैव टू डू. बट आप उस कंपनी के साथ फुल टाइम एसोसिएट नहीं होते हो. आपको क्या होता है कि वो आपको कुछ काम देते हैं, आप उनका काम करके उन्हें देते हो, एंड देन यू गेट द पेमेंट इन रिटर्न. सो दिस इज काइंड ऑफ freelancing. And also freelancing mein sometimes you have been given a deadline. Deadline is something, jaise aapka assignments ki deadline hoti hai, ma'am kehti hain ki is date tak mil jana chahiye, jiska nahi hua to cancel, check nahi hoga, aisa hota hai. So this is the same in freelancing as well. You have been given a deadline, is deadline tak you have to do this,
एंड आपको करके देना होता है एंड देन यू गेट पेड. सो या बट अगेन फ्रीलांसिंग इज समथिंग विच आई ऑल्सो स्टार्टेड विद. फ्रीलांसिंग इज समथिंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि हमें ये चीज आती है ना. आप कुछ सोचो, आप अगर परमानेंट कहीं पे जॉब स्टार्ट कर दी एंड देन यू आर लाइक कि नहीं यार ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. सो इट वुड बी रियली बेटर इफ यू स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग थिंग. तो उससे क्या है कि आप एक्सप्लोर करोगे एंड प्लस यू कैन गो फॉर डिफरेंट नीश. एंड नीश इज समथिंग दैट इज कॉल्ड जॉनर एज वेल. तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे नीश है, जैसे आप अगर देखते हो, आप अगर वेबसाइट पे देखते हो, you see articles about lifestyle, you see articles about health and then technology, then sports, then food and then entertainment, then Bollywood, Hollywood and then politics. तो ये सारे genres हैं. तो ये सारे genres क्या है, हर कोई इंसान हर एक genre में नहीं काम कर सकता, right? So what you have to do, you have to find a niche for yourself. So this was all about my journey. This was about freelancing. I will not lecture you about the content writing and stuff, but I can give you some tips according to my, you know, what I have learned so far. So since I have done graduation as well, so earlier what used to happen, ki you didn't, they never asked you for a prior, you know, experience or that you have to do some course about it, like aisa kuch bhi nahi tha. It was all about acha content writing, anybody can do content writing. But now there is a lot of competition, there are so many people calling them content writers out there and they are charging different prizes, but then again your work speaks for itself. So the first thing is, if you want to be a content writer, to sabse pehle to aapko खुद से पूछना होगा कि डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक डूइंग इट. लाइक आई डू कॉन्टेंट राइटिंग इन इंग्लिश एंड नॉट जस्ट कॉन्टेंट राइटिंग, ऑल काइंड ऑफ राइटिंग. आई डू कॉपी राइटिंग, आई डू न्यूज राइटिंग बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट नाउ. सो या आई डू न्यूज राइटिंग एज वेल, आई डू गोस्ट राइटिंग. गोस्ट राइटिंग इज समथिंग, वो भी फ्रीलांसिंग का पार्ट होता है. उसमें क्या होता है कि बस आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता, आपका कहीं नाम नहीं आता दैट यू रोट दिस आर्टिकल. बट अगर आप कहीं वैसे काम कर रहे हो, लाइक आई एम डूइंग माई जॉब, तो आई हैव माई होल पेज ऑन माई वेबसाइट, जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, वी हैव दैट पेज और वहां पे मेरा प्रॉपर नाम होगा, कलश पुराना लिखा होगा एंड देन ऑल माई आर्टिकल्स आर बिलो इट. तो दिस इज लाइक ऑपोजिट ऑफ घोस्ट राइटिंग. घोस्ट राइटिंग में कभी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता कि आपका कोई नेम नहीं आता. तो बहुत सारे जॉनर्स हैं, बहुत सारा कुछ है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है और then again different types of writing, but first you have to see what you are good at. If first thing aapko writing achhi lagti hai, acha lage tabhi karo. Do something if you are good at it, don't go for it ki ha this is trend, oh my god acha mama you are earning this much at this age. No, this doesn't happen. Everything doesn't work for everybody na. So you have to see ki what you are good at. If you are good at writing, that's good. Then find your niche. Ki which genre do you love to write the most? Suppose one of you guys is like, "Arey, I'll go for writing." And you go there and they ask you, "Acha, what do you want to write? Which niche do you want to cover?" You'll be like, "Arey, I'll do everything." You are never good at everything. Suppose if boys, maybe they are interested in sports, so they are like, "No, no, I can do well in sports." मुझे स्पोर्ट्स करे तो आई वोंट बी एबल टू राइट इट बिकॉज दे आर सर्टेन टर्म्स सर्टेन यू नो उनकी पर्टिकुलर वोकैब होती है ना. तो डजंट मीन कि अगर आप वहां पे कोई वर्ड यूज कर रहे हो, आप पिच वहां यूज करो, डजंट मीन पिच के बहुत सारे मीनिंग है ना. तो क्रिकेट वोकैब में कुछ अलग ही है या स्पोर्ट्स जो भी है तो उसमें अलग है. तो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट नीश एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट नीश यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. कुछ कुछ लिखते रहो, थोड़ा थोड़ा डेली का लिखो अगर आपको अच्छा लगता है तो. But then again, don't force it. बस ये है, daily write, थोड़ा 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 थोड़ा. This is where I started. And to be honest, touchwood, today I have so many clients, I work for so many people. Plus, I have my job and I am just 23. So even at the age of 23, I'm like doing my dream job. I just got my promotion as well. If you do good work, so people acknowledge you and they pay you according to your writing. So it's, I would say it's a really great job because see, first thing is I am doing work from home, which all of you might be knowing by now. Ki aram se ghar pe baitho, kaam karo, chutti.
प्लस आई हैव फ्लेक्सिबल आवर्स. फ्लेक्सिबल आवर्स एज इन जो मेरी जॉब है दैट तो आई हैव फिक्स्ड आवर्स कि इतना इतना मुझे करना है. लाइक आई लॉग इन एट 7 AM एंड देन आई लॉग आउट एट 3:30 PM. तो आफ्टर दैट आई एम फ्री, कुछ नहीं. प्लस इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम तो नोबडी इज सीइंग व्हाट आई एम डूइंग. आई जस्ट सिट कंफर्टेबली इन माय पजामास एंड आई डू माय जॉब एंड देन आई लॉग. बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं है, यू इतनी ठंड बाहर है उत्तराखंड में तो यू गाइस नो, तो बाहर जाओ योर पेरेंट्स माइट बी गोइंग फॉर देयर वर्क, तो इट्स सो कोल्ड आउटसाइड. तो आई एम सिटिंग कंफर्टेबली इन माय ब्लैंकेट, इन माय पजामास, इन माय हुडी एंड आई एम डूइंग माय वर्क. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स माय ड्रीम जॉब. एंड देन अगेन वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल आवर्स प्लस गुड पे दैट आई वुड से. बट ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी इज गेटिंग इट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर कॉलिंग देमसेल्व्स कंटेंट राइटर्स, बट you know how their work is. But then again, now the dynamics have changed. It's all about prior experience that you should have, your talent, your abilities, and your course as well. You must have some, you must have done your graduation in BA English or journalism. Journalism is more preferable. And I would say ki journalism is a like really great course, because agar aapko content writing mein nahi bhi jana, mass comm is a vast field. तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट है, उसमें एड है, एडवर्टाइजिंग है, सो मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, रिस्क मैनेजमेंट, दिस एवरीथिंग. यू कैन चूज योर ऑप्शंस वाइजली. ऐसा नहीं है कि आपने वो कोर्स चूज कर लिया तो बस आपका चैप्टर क्लोज. नहीं, अभी तो आपको तब पता लगेगा ना जब आप चैप्टर्स पर, जब आपको सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाएंगे, यू विल अच्छा दिस इज ऑल्सो द विल, दिस इज ऑल्सो द फील, तो यू विल गेट टू नो बेटर. सो या, सो इफ यू वॉन्ट टू डू दिस कोर्स, start building your portfolio. And for portfolio, I would like to introduce portfolio to you. It's like making your CV, and then CV is your resume, jisme aapka sab hota hai ki abhi to bahut chote ho, you guys don't need that. But again, I should tell you about it, because portfolio banana CV chahiye hota hai. Just keep the CV chapter closed for now. Usme second part is samples, wo bhi likhna start kar do. Sample is like your like the best work. अपनी जान डाल दो उसमें कि दिस इज माय सैंपल. ऐसा होता है ना कि आपके घर कोई गेस्ट आता है तो योर पेरेंट्स आर लाइक प्लीज बी एट ए गुड बिहेवियर, तो आप अपना बेस्ट सेल्फ रख के बैठते हो. हां जी नहीं नहीं आई डोंट नो ईट दिस, एंड देन दे गो एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग. तो जो गेस्ट है उनको क्या इंप्रेशन गया, वाओ दिस इज द बेस्ट किड आई हैव एवर सीन. तो जस्ट कंसिडर सैंपल एज दैट. ये अपना सैंपल देना, अपना बेस्ट सेल्फ देना है. जितना अच्छा आपको आता है तो आप उतना अच्छा आप लिखो, और क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है ना तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्सेलिंग इन दिस फील्ड. तो यस, राइट सम सैंपल्स, अभी से लिखना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे. और अभी लाइक इफ आई वुड टेल यू, तो मैंने 9th स्टैंडर्ड से लिखना स्टार्ट कर दिया था. मुझे तब कुछ नहीं आइडिया था, मुझे बस पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता था तो मैं लिखती थी. तो अभी अभी मैं देखूंगी ये मैंने लिखा, ओ माय गॉड मैं ये पढ़ाती थी लोगों को. अभी ऐसा होता है बिकॉज नाउ आई वाज हियर एंड नाउ आई एम हियर. आई यूज्ड टू बी हियर, नाउ आई एम हियर. तो अब यहाँ पे आके तो आई फील लाइक कि नहीं, आई हैव कम अ लॉन्ग वे. तो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स व्हाट आई वाज सजेस्ट. और सैम्पल्स लिखो, अपनी नीश चूज करो, आपको कौन से उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और अपने वोकैब इंप्रूव करो जितना अच्छा हो. रीड करो, बहुत ज्यादा रीड करो, नॉवेल्स रीड करो. एंड इफ यू आर नॉट इनटू रीडिंग, यू कैन वॉच वेब सीरीज एज वेल, इंग्लिश वेब सीरीज एंड ऑल नो. तो योर वोकैब इंक्रीजेज एंड देन योर वोकैब इंप्रूव्स एंड देन योर इंग्लिश ऑल्सो इंप्रूव्स. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग. एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कॉन्टेंट राइटिंग, यू कैन ऑल्सो गो फॉर हिंदी कॉन्टेंट राइटिंग, which is also good, but I have never tried it because I was more into English. And I don't think aajkal ke bachche Hindi mein itne hain, because I teach French also. So the students, they are like, I am like, if you're not into French, why are you learning it? So they are like, no ma'am, Hindi se to better hai na, that's why we are doing Hindi. So yeah, this is all I would like to say. And if you want to know the basics and all, you can tell me, but I don't think that we have to go deep down into that. कलश, व्हाट वी विल डू इज कि हमने अभी अभिषेक के साथ भी बट वी डिड इट इज कि हमने एक कंपटीशन रन किया था दैट मेक द कार्टून एंड देन दे विल सबमिट टू अभिषेक. सो व्हाट वी विल डू इज कि इसके साथ साथ दे कैन डू द स्टोरी राइटिंग आल्सो, दे कैन जस्ट सबमिट एनी सैंपल. एंड व्हाट यू कैन डू इज आप उसमें से जज कर लेना बेस्ट 3 कौन से हैं उसमें, सो दैट तो दे कैन एटलीस्ट थिंक कि हाँ ये करियर भी हम शायद स्टार्ट कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वी विल शेयर द लिंक विद सुरेंद्र सर.
आप उसपे अपने कार्टून्स एंड स्टोरी दोनों सबमिट करना एंड वी हैव गॉट बोथ द एक्सपर्ट्स कलश एंड अभिषेक एंड दे विल जज यू एंड बेस्ट थ्री को हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे. That would be great. I would love to judge them. Okay, yeah. I would love to read their stories. Yeah, thank you. Very happy ki aaj Abhishek and Kalash ne apna time nikala. Abhishek to because he was in a marriage and wahan pe jaake unhone hometown mein apne he took out time and sab friends se baat ki. And ye bhi sunke acha laga ki dono bahut hi khush hai apni job se, jo ki normally hota nahi hai. Matlab jo bhi kaam kar rahe ho, you are happy. So that's a really great thing. So Abhishek, thank you so much. Kalash, thank you so much for your time. अभिषेक आप अभी इफ पॉसिबल आप अभी हैं क्या अवेलेबल? हाँ जी सर मैं हूँ. आपके लिए एक रिक्वेस्ट आई थी बीच में, समबडी सेड कि आपने जब बीच में वॉइस ओवर की बात की थी ना कि आप छोटे थे तो आप वॉइस ओवर करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो समबडी सेड कि एक वॉइस ओवर ही प्लीज यहाँ पे आप एक बार ही ट्राई कर लीजिए आप सबके साथ एक बार, अगर कोई पॉसिबल हो तो. हमने एक कैरेक्टर फाउंड किया था बहुत पहले, एक यूट्यूब सीरीज में काम किया था हमने, छोटे थे तब से प्रैक्टिस करी, बड़े होने के बाद हमने कैरेक्टर एस्टैब्लिश की किसी एक कार्टून कैरेक्टर में, तो वो थोड़ी सी सिमिलर है. ओहो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, जरा मेरे से मुलाकात तो करो, तो ऐसे और भी डिफरेंट आवाज है. ये तो मैंने जितना मैं कार्टून्स में नहीं देखता लेकिन मैंने ये आवाज सुनी हुई है जो आपने अभी भी निकाली थी आपने. कहीं चली होगी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने एड में भी कुछ आवाजें दी हुई हैं बहुत पहले, दो साल पहले. अभी तो मैं पूरी तरह से प्रोडक्शन देखता हूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आर्टिस्टिक वर्क कर सकूं, बट जहां जरूरत होता है बीच में मैं अपना अपनी वॉइस इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो ऐसी बहुत सारी आवाजें है मेरे पास. ठीक है, चलिए, गुड है. थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच कलश, एंड सारे स्टूडेंट्स को वी विल शेयर द लिंक फॉर द कंपटीशन. आप अपने कार्टून्स एंड स्टोरी सबमिट करिए एंड वी विल सेंड यू सरप्राइज गिफ्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू विकास सर एंड आशीष सर, आपको बहुत-बहुत थैंक यू. सर सुरेंद्र सर भी हैं और कैलाश सर, मनीष सर एंड एवरी स्टूडेंट्स को बहुत-बहुत थैंक यू अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए एंड मुझे मौका देने के लिए. आशीष सर का बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है सुरेंद्र सर, वी विल शेयर लिंक विद यू. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. एक्चुअली आज तो दो चीजें एक साथ हो गई, बहुत अच्छा रहा सेशन. ये दोनों चीजें कंटेंट राइटिंग एंड एनिमेशन आर इंटर रिलेटेड एंड प्लस जो है उत्तराखंड की है, सो वी थॉट कि हम उत्तराखंड का ही कोई टैलेंट यहाँ पे देख रहे हैं. नाइस. एक्चुअली कलर्स का जो उनका जो एक्सपीरियंस था डेफिनेटली काफी लोगों को मोटिवेट करेगा. कई बच्चे हैं ऐसे में नॉलेज में जो पढ़ाकू नहीं है बट दे आर क्रिएटिव, आई मीन दे नीड सच काइंड ऑफ यू नो मोटिवेशन. सही बात है. ये ठीक है. सोफिया के साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा वेयर स्टूडेंट्स कैन यू नो सबमिट देयर एंट्रीज फॉर स्टोरीज एंड कैरेक्टर एंड यू कैन सर्कुलेट विद इन विद इन द ग्रुप. या या डेफिनेटली. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस. होप यू हैव लर्न्ड. थैंक यू ऑल. बाय. थैंक यू. थैंक यू अभिषेक. थैंक यू कैलाश. थैंक यू सुरेंद्र सर. थैंक यू आशीष. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.